हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्जी सीरीज के बारे में, जिसके क्रिएटर से राजन डीके और सीरीज में शाहिद कपूर, राशि खन्ना, विजय सेतुपति, केके मेनन, जाकिर हुसैन, अमोल पालेकर, भुवन अरोरा जैसे स्टार से। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है सनी को दिखाते हुए, जिसे कुछ लोग बांध के एक खुफिया जगह पर लेके जाते हैं। सनी के मुंह को एक काले कपड़े से ढका हुआ है और उस जगह पर सनी अपने दोस्त फिरोज को भी देखता है, जिसे भी वहां पर बंदी बनाया हुआ है। उसके बाद एक आदमी आके सनी को 500 का नोट दिखाता है और पूछता है कि यह नोट किसने बनाया है। अब स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि सनी एक आर्टिस्ट है जो कौन सी भी पेंटिंग बना सकता है, और वो भी सड़क पर पेंटिंग बनाकर उन्हें बेच रहा है। इसके बाद वो अपने नानू की फैक्ट्री में जाता है, जहां उनकी खुद की प्रिंटिंग प्रेस है जिसका नाम है क्रांति पत्रिका। सनी के नानू पूरे देश में क्रांति लाना चाहते हैं और वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। यहीं पर हम फिरोज को देखते हैं जो वहीं पर काम करता है और वो प्रिंटिंग करने में बड़ा एक्सपर्ट है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रांति पत्रिका की खपत अब हो नहीं रही है, इसकी वजह से ये प्रेस बंद होने के कगार पर है। अब हमें सनी और फिरोज का बचपन देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि और बच्चे स्कूल से आकर खेलते थे, लेकिन फिरोज और सनी अपनी क्रांति पत्रिका बांटते थे, लेकिन उस वक्त भी इसे कोई नहीं लेता था और अभी भी कोई नहीं लेता। बचपन से ही सनी और फिरोज को पैसों की अहमियत पता थी, इसी वजह से वो पैसे बचाते थे और चुपके से अपने नानों के ड्रॉअर में रख देते थे। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम सनी को एक कार में अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या के साथ देखते हैं। वहाँ पर अनन्या सनी को 31st की न्यू ईयर पार्टी में आने को कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अनन्या बड़ी रईस पार्टी है और सनी हमेशा से उसके लेवल का बनना चाहता है। अब सनी और फिरोज 31st की पार्टी का पास लेने के लिए एक होटल में जाते हैं, लेकिन वहां पर जाने पर पता चलता है कि एक पास की कीमत 27,000 है। सनी और फिरोज को देखकर होटल के स्टाफ को पता चल जाता है कि इनकी औकात नहीं है ये पास लेने की, और वो उनसे रूडली बात करने लगता है। उसके इस बिहेवियर से सनी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे झगड़ा करने लगता है। पूरा स्टाफ उन्हें वहां से भगा देता है। अब हम 31st की नाइट को अनन्या को देखते हैं कि सनी ने अपनी पार्टी में अनन्या को बुलाया है और सनी उसे कहता है कि हमें पास नहीं मिले। अनन्या जानती है कि सनी गरीब है और सनी हमेशा से ही उसके लेवल का बनना चाहता है। पार्टी खत्म होने के बाद हम सनी और फिरोज को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ सनी फिरोज को कहता है कि दुनिया में पैसों की बहुत कीमत है और हम मिडिल क्लास लोग अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए लोन लेते हैं और अपनी पूरी जिंदगी उस लोन को चुकाने में चली जाती है। अब अगले दिन सनी फैक्ट्री में आता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो गए हैं। वहाँ उसे पता चलता है कि क्रांति पत्रिका बंद होने वाली है और जिन लोगों से नानू ने लोन लिया था, अब नानू उन्हें पैसे दे नहीं सकते। अब सनी और फिरोज उन लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तब वो आदमी उन्हें 1 महीने का समय देता है। अब सनी और फिरोज के पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी और उनके पास पैसे भी नहीं है और कोई काम भी नहीं है। अब अपनी सिचुएशन पे डिस्कशन करते हुए सनी एक 500 रुपये का स्केच बनाता है और फिरोज को कहता है कि हम नकली नोट छापेंगे। फिरोज सनी की साइडों को मना कर देता है और कहता है कि नोट बनाना आसान काम नहीं है। तभी सनी कहता है कि हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है और इस नोट को भी तो किसी इंसान ने ही बनाया होगा और हम तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। अब सनी और फिरोज हर नोट को बड़ी बारीकी से जांचते हैं और तभी वो डिसाइड करते हैं कि हम 500 की नोट बनाएंगे। सनी 500 का एक परफेक्ट डिजाइन बना देता है जिसमें कोई भी गलती नहीं थी, और अब फिरोज उस नोट की प्रिंटिंग करता है। अब देखते देखते दोनों ने 500 के नोट बना दिए थे और आखिर में उसे चाय में डुबो दिया था, जिसकी वजह से वो एक परफेक्ट 500 का नोट लग रहा था। अब सब कुछ सही था। अब वो नोट चलाने के लिए दोनों एक शराब की दुकान में जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है। फिरोज उस दुकान वाले को नोट देता है, लेकिन वहां पर वो दुकान वाला पहचान जाता है कि नोट नकली है। वहां से जान छुड़ाकर फिरोज और सनी भागने लगते हैं। बहुत सारे आदमी उन दोनों का पीछा कर रहे हैं। जैसे तैसे जान बचाकर वो दोनों भाग जाते हैं। फिर दोनों वो एक जगह पर जाके वो नोट जलाने लगते हैं। तभी सनी सोचता है कि आखिर उस नोट में गलती क्या थी। अब हमें नेपाल के काठमांडू शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मंसूर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जाली नोट बनाने का मास्टरमाइंड है और वो नेपाल से ही अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। अब काठमांडू में मंसूर के एक आदमी के साथ मीटिंग है, इसी वजह से वो काठमांडू आया है। वहाँ पर ही हम माइकल को देखते हैं जो क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर है, और उसे खबर मिली थी कि मंसूर यहाँ पर आया है। अब वो अपने आदमियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। अब जहाँ पर मंसूर की मीटिंग चालू है, वहाँ पर माइकल अपनी टीम को लेकर चला जाता है।
अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल मंसूर को बहुत सालों से पकड़ना चाहता है। माइकल मंसूर को पकड़ के लेके जाने वाला ही रहता है, तभी वहां पर मंसूर के कुछ आदमी आकर फायरिंग चालू कर देते हैं। वहां पर भगदड़ मच जाती है और इसका फायदा उठाकर मंसूर वहां से बचकर निकल जाता है। माइकल के हाथ मंसूर के नोट लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर माइकल के कुछ ऑफिसर्स मारे जाते हैं। अब हम सनी और फिरोज को देखते हैं, जहाँ सनी फिरोज को कहता है कि हमारे नोट का कागज खराब है। अब सनी और फिरोज असली नोट जैसे कागज को ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक मैगजीन का कागज मिलता है जो सेम असली नोट के कागज की तरह था, लेकिन वो काफी पतला था। इसी वजह से वो दोनों दो अलग अलग प्रिंट को चिपका के उस कागज से वो एक नोट बना लेते हैं जो कि सेम टू सेम रियल नोट की तरह था और उसकी थिकनेस भी सेम असली नोट की तरह थी। अब इस बार नोट को चलाने की जिम्मेदारी सनी की थी, इसीलिए सनी फिरोज को कहता है कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तू मुझे खींच लेना। अब सनी उस नोट को शराब की दुकान वाले को देता है। वो आदमी उस नोट को देखता है और उन्हें शराब दे देता है। अब उनका ये नोट चल गया था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश थे। अब इसके बाद सीरीज की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो पूछताछ करने वाला आदमी मंसूर दलाल था। अब मंसूर सनी को पूछता है कि ये नोट किसने बनाया है और इसे डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है। तभी सनी कहता है कि सब कुछ हम ही करते हैं। अब मंसूर अपने आदमी को कहता है कि फिरोज को मार दो और वो आदमी गोली चला देता है। इसी के साथ एपिसोड पहला खत्म हो जाता है। अब सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हमें सनी का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि उसकी माँ दुनिया का सबसे अच्छा वरण भात बनाती थी, लेकिन माँ के डेथ के बाद उसके पिता ने ही उसका ख्याल रखा। लेकिन सनी के पिताजी गरीब थे और वो हमेशा नया बिजनेस चालू करने के लिए कुछ लोगों से लोन लेते थे और जब पैसे देने की बारी आती वो शहर छोड़कर भाग जाते थे। एक दिन शहर छोड़ते वक्त सनी के पिताजी एक ट्रेन में सनी को कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे नानू के पास लेके जा रहा हूँ। बहुत दिनों से भागने की वजह से सनी के पिताजी को लगता है कि अब सनी मेरे साथ रह नहीं सकता, इसी वजह से वो उसे ट्रेन में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बहुत देर तक सनी अपने पिताजी को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलते। अब ट्रेन की खिड़की से बाहर वो बहुत सारे लोगों को पैसे समेटते हुए देखता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो पैसे उसके पिताजी के थे। फिर वो एक स्टेशन पर उतरकर एक पेंटिंग बनाता है ताकि उसके पिताजी इस पेंटिंग को देख ले और वापस आ जाए। इस तरह वो बहुत सारी पेंटिंग बनाता है। अब एक दिन उसे फिरोज मिलता है जो उसे कहता है कि तू ऐसे ही पेंटिंग बना जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। फिर वो ऐसा ही करते हैं, बहुत सारी पेंटिंग बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। लेकिन सनी की पेंटिंग देखने के बाद सनी के नानो सनी को ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर सनी अपने नानो को कहता है कि हम फिरोज को भी अपने साथ लेके जाते हैं और सनी की इस बात को नानो मान जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि फिरोज जिंदा है और गोली सिर्फ उसे डराने के लिए चलाई गई थी। अब फिर से फ्लैशबैक में एक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें मेगा नाम की एक लड़की मिनिस्टर्स को एक मशीन दिखाती है जिससे वो नकली नोट आसानी से पकड़ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेगा की बात को सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन वहीं पर माइकल मेगा की बात को बड़ी बारीकी से सुन रहा था। जब मिनिस्टर वहां से जाता है तभी माइकल उसके पीछे जाके अपनी पुरानी टीम मांगता है, लेकिन मिनिस्टर उसे साफ साफ मना कर देता है। अब अगले सीन में हम सनी और फिरोज को देखते हैं जो एक आदमी से नकली नोटों की डील करते हैं, लेकिन उस आदमी को सनी के नोट में डाउट लग रहा था। तभी सनी दो असली नोट में एक नकली नोट मिला देता है और कहता है कि अगर आपने इसमें से नकली नोट ढूंढ लिया तो हम आपको 1,00,000 रुपए देंगे और इस नोट को मैंने बनाया, इसके बावजूद भी असली कौन सा ये मैं भी नहीं बता सकता। वो आदमी 500 के नोट 150 में बेचने के बोलता है और सनी और फिरोज को 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि वो उस आदमी को वो 2 करोड़ रुपए कैसे देंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 हफ्ता ही बचा था। अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जिसने काफी शराब पी रखी है और वो अपनी इस हालत में मिनिस्टर की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स मिनिस्टर को भेज देता है। तभी मिनिस्टर का तुरंत कॉल आता है और मिनिस्टर कहता है कि तूने अभी तक वो फोटोज डिलीट क्यों नहीं किए। तभी माइकल उसे कहता है कि उसे उसकी टीम चाहिए। यहाँ पर माइकल ने काफी शराब पी हुई है, इसीलिए वो मिनिस्टर को गाली भी दे देता है। आगे हम देखते हैं कि सनी उसके मुंह बोले चाचू को कहता है कि अगर हम पूरा दिन काम किए तो एक दिन में हम कितने पेपर छाप सकते हैं। तभी चाचू समझ जाते हैं कि सनी क्या कहना चाहता है, क्योंकि उन्होंने एक ड्रॉअर में सनी का 500 रुपए का स्केच देख लिया था। तभी सनी कहता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस प्रेस को बचाने के लिए, इसीलिए हमें नकली नोट छापने होंगे। यहाँ पर सनी अपना 500 का नोट चाचू को दिखाता है। अब इस नोट को चेक करने के लिए वो एक होटल में जाते हैं और वहां पर चाय पीने के बाद जब बिल पे करते हैं तभी उस होटल का ओनर उस नोट को चेक करता है और रख लेता है। अब चाचू भी सनी और फिरोज के साथ हो गए थे, लेकिन वो कहते कि
हमें बहुत सारे नोट छापने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। अब ये पैसे लेने के लिए वो उस पुराने आदमी के पास जाते हैं जिससे उन्होंने पहले से ही पैसे लिए थे, और वो उसे कहते हैं कि ये वाला लोन और वो पुराना वाला लोन हम 2 महीने में चुका देंगे। लेकिन वो आदमी इस बार भी उन्हें 1 महीने का ही टाइम देता है। अब अगले सीन में हम मेघा को देखते हैं जहाँ वो अपने ऑफिस में बैठी है, और वहाँ उसे पता चलता है कि काठमांडू में 2000 के नकली नोट बरामद किए हैं, और इस ऑपरेशन का हेड था माइकल। अब वो माइकल को सर्च करने लगती है। अब अगले सीन में माइकल मिनिस्टर के पास पहुंच जाता है और अपने टीम मांगता है क्योंकि उसे एक मिशन पर जाना है। तभी मिनिस्टर माइकल को हाथ जोड़कर कहता है कि मैं तुम्हें टीम नहीं दे सकता, और कृपया मुझे दारू पीकर गाली ना दे। अब फिरोज वो पेपर लेने के लिए एक एजेंसी को कॉल लगाता है जो गवर्नमेंट की थी, इसीलिए वो मना कर देते हैं। लेकिन अब सनी और फिरोज को उन पेपर्स की जरूरत थी, इसीलिए वो अपने दोस्त अनिश के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। तभी अनिश रात को कागज की फैक्ट्री के पास बहुत सारे आदमी लेके आ जाता है। सनी उन्हें वापस जाने को बोलता है। फिर वो फैक्ट्री के सामने वाली बिल्डिंग से वॉचमैन जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन वहां पर और वॉचमैन आ जाते हैं क्योंकि उस दिन आईपीएल का मैच था। तभी सनी अनिश को उन आदमियों को वापस बुलाने को कहता है। बहुत सारे आदमी आके उन वॉचमैन को बंदी बना लेते हैं, और सनी फिरोज और अनिश पेपर्स को एक ट्रक के जरिए चुरा लेते हैं। अब सनी फिरोज और चाचू नोट छापने में लग जाते हैं, और देखते देखते वो 2 करोड़ रुपए छाप देते हैं। अब वो दोनों उसी आदमी के पास जाते हैं जिसने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब वो आदमी उनको असली पैसे देता है और भी नोट छापने को कहता है। तभी सनी उसे हाँ बोल देता है। अब सनी फिरोज और चाचू तीनों बहुत सारे पैसे छाप देते हैं। अब इन्होंने जिन लोगों से पैसे उधार लिए थे उन्हें वो सारे पैसे दे देते हैं। अब उनकी क्रांति पत्रिका भी बच गई थी। अब नानू सनी को कहते हैं कि इतने सारे पैसे तुमने जमा कैसे किए। तभी सनी कहता है कि मैंने एक नया बिजनेस चालू किया है, तो उसके मालिक ने ही मुझे एडवांस में ये पैसे दिए हैं। तभी नानू को शक हो जाता है, लेकिन वो जानना नहीं चाहते। अब अगले सीन में सनी अपने गर्लफ्रेंड अनन्या के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा है। दोनों डिनर करने आए हैं, तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है। तभी उसे अनन्या छुपके से अपना कार्ड दे देती है क्योंकि उसे लगता है सनी बिल नहीं दे पाएगा। ये सब कुछ सनी देख लेता है और अनन्या से बहस करने लगता है। फिर वो दोनों डिनर करते हैं। बिल पे करते वक्त सनी अनन्या का कार्ड ले लेता है और अपने नकली नोट से बिल पे करता है। उसी वक्त उसी रेस्टोरेंट में मेघा एक लड़के के साथ आती है। असली में वो लड़का मेघा को शादी के लिए देखने के लिए आया है। तभी मेघा को उसकी माँ मैसेज करने लगती है। मेघा बहुत इरिटेट हो जाने के कारण उस लड़के को भला बुरा कह देती है और अपने डिनर का बिल स्प्लिट कर देती है। जब वो बिल पे करती है तभी वेटर उसे सनी का नोट देता है, और मेघा को पता चल जाता है कि वो नोट नकली है। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज़ देख रहा है, और टीवी पर न्यूज़ थी कि किसी ने पेपर फैक्ट्री से ढेर सारे पेपर चुरा लिए हैं, और मिनिस्टर कहता है कि तुम्हें तुम्हारी टीम मिल जाएगी, बस इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मिनिस्टर की इस बात से माइकल मान जाता है। अब सनी ने अपने सारे लोन चुका दिए थे और क्रांति पत्रिका भी बच गई थी, इसीलिए चाचू उसे कहते हैं कि अब हमें इन प्रिंटिंग मशीनों को बेच देना चाहिए जिससे हमारे पास और पैसा आ जाए। ये सब हमने दूसरों के लिए किया है, अभी खुद के लिए करने की बारी है, और एक आखिरी बार पैसा छापना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर मेघा उस नकली नोट को लेके ऑफिस आ गई है और अपने फ्रेंड को उस नोट के बारे में बताती है। और अगले सीन में माइकल अपने एक ऑफिसर के साथ बातचीत कर रहा है। वो उसे कहता है कि मिनिस्टर टीम के लिए मान गया है, बस हमें उसका एक काम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर सनी चाचू और फिरोज पैसे छाप रहे हैं और ढेर सारे पैसे छाप देते हैं। यहीं पर दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर।